फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मैंने आपको सारे नीचे के कैबिनेट दिखाए हैं जिसके अंदर क्या क्या लगा है। तो आपको आई होप आपको पता चल गया होगा कि नीचे हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है इस किचन के अंदर, इस किचन के अंदर क्या हार्डवेयर यूज़ करा है, क्या एसेसरीज यूज़ करी हैं, ये आपने देख ली हैं। तो अब मैं आपको इसके ऊपर के कैबिनेट दिखाता हूँ, ऊपर के कैबिनेट्स में हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो चलते हैं दोबारा से हम किचन के अंदर वॉल कैबिनेट्स में। हम स्टार्ट करेंगे चिमनी के लेफ्ट और राइट कैबिनेट से। तो पहले हम लेफ्ट कैबिनेट पे चलते हैं और देखते हैं हमने यहाँ पे क्या दिखाया, क्या यूज़ किया। ये ब्लम कंपनी का हार्डवेयर दिख रहे हैं जो ये यूज़ करा है हम लोगों ने, आप देखिए। अंदर हमने शेल्फ यूज़ करी है नॉर्मल। अगर आप इसके बॉक्स के अंदर भी एक एसेसरीज आती है जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा स्पेस लेके जाती है। सॉफ्ट क्लोज हिंजेस। अब देखते हैं सेकंड कैबिनेट। ये प्रोफाइल शटर यूज कर रखा है विद फ्रॉस्टी ग्लास के साथ। इसके अंदर हमने थ्री पार्टीशन दी हैं। ये पार्टीशन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्टेबल होता है। सॉफ्ट क्लोज, ये आपकी चिमनी आ गई। हॉप, अब हम जाते हैं राइट कैबिनेट। प्रोफाइल, अगेन प्रोफाइल शटर यूज करा है फ्रॉस्टी ग्लास के साथ, तीन पार्टीशन के साथ। इसमें हमने दोबारा से अगेन प्रोफाइल शटर है और आप देख सकते हैं थ्री पार्टीशन के साथ यूज करें। अब हम देख रहे हैं कॉर्नर कैबिनेट। ये एल शेप कॉर्नर है हमारा, इसमें जो शेल्फ देख रहे हैं वो भी एल है। तो कॉर्नर हमारा पूरे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रखा हमने। सेकेंड लास्ट कैबिनेट में अपने, इसके अंदर बेसिकली हमने एक पार्टीशन यूज करा है, एसेसरीज हम यूज नहीं कर रहे, ऊपर एक वॉल लाइट लगाया हुआ है। मतलब वॉल कैबिनेट के अंदर बेसिकली हम लोगों ने कुछ एसेसरीज यूज नहीं करी है, हार्डवेयर यूज करा और प्लेन शेल्फ डाली हैं। आपको स्पेस मिले बेसिकली क्रॉकरीज के लिए, अपने सामान के लिए आपको स्पेस मिले। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आज मैंने जो आपको किचन के बारे में बताया, वो ये बताया कि किचन में हम हार्डवेयर एसेसरीज क्या यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फोर पॉइंट्स होते हैं जिससे किचन बनता है। तो आज मैंने आपको किचन की डिटेलिंग दी है कि किचन के अंदर क्या हार्डवेयर यूज़ करते हैं, क्या एसेसरीज, क्या क्या हम एसेसरीज यूज़ कर सकते हैं। तो आपने आज देखा होगा किचन का कॉन्सेप्ट भी देखा आपने, आपने सारा किचन का हार्डवेयर भी देखा, एसेसरीज भी देखा। इस किचन के अंदर हमने जितना भी हार्डवेयर एसेसरीज यूज़ करा है वो काफ़ी एक अच्छी कंपनी का यूज़ करा है। आज मैंने आपको किचन दिखाई है उसके अंदर बेसिकली मेरे को आपको ये दिखाना था कि हम किचन के अंदर किस तरह के एसेसरीज और हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं। कुछ एसेसरीज होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो हमारे बॉक्स का जो स्पेस है वो और कम कर देती है, इंटरनल स्पेस हमारा कम हो जाता है एसेसरीज लगाने के बाद। तो इसके अंदर हमने देखा कई जगह एसेसरीज भी लगी हुई थी और कई जगह हम लोगों ने यूज़ करा था प्लेन ड्रॉर्स के अंदर भी, प्लेन जो यूज़ करा है, जैसे हमने वॉल कैबिनेट देखे सारे प्लेन में थे, इसलिए क्योंकि किचन का सामान बहुत ज़्यादा होता है और यूटेंसिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रॉकरी बहुत ज़्यादा है, ग्रॉसरी जो आइटम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है किचन के अंदर। तो एक कंप्लीट पैकेज के साथ मैंने एक अच्छे डिज़ाइन के साथ, एक अच्छे हार्डवेयर के साथ, एक अच्छे एसेसरीज के साथ ये किचन मैंने आज आपको दिखाई है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ मुझसे आपको पूछना हो या मुझसे आपको कोई मुझसे हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी मैक्स टू मैक्स जो भी मेरे से हेल्प हुई कि
आपकी जो भी इंक्वायरी होगी आपको उसका आंसर जरूर दूंगा, आपको ट्राई जरूर करूँगा उसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और एक नई किचन के साथ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।